हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इमाम मूसा कजिम मोजा इस वीडियो पे। टाइटल है ऐसा, तो वीडियो क्या है, पहले वीडियो देख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को वक्त के जालिम बादशाहों ने हमेशा कैद में रखा, क्योंकि वो जलते थे, हसद करते थे कि हुकूमत हमारी, दौलत हमारी, बादशाह हम हैं, लेकिन फिर भी लोग इन फटे पुराने कपड़े पहनने वाले सादात की इज्जत क्यों करते हैं? बस एक मर्तबा बनू अब्बास के जालिम बादशाह ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि मूसा काजिम शहीद भी हो जाए और इसका इल्जाम भी मुझ पे ना आए। बहुत गौर और फिक्र के बाद किसी ने ये मशवरा दिया कि ए हारून, ऐसा करते हैं, जंगल से कुछ शेर पकड़ते हैं, उनको 7 दिन तक भूखा प्यासा रखते हैं, वो जब हद से ज्यादा भूखे हों, उस वक्त हम मूसा काजिम से कहते हैं कि आप नवासाए रसूल हैं, इमाम अली के पोते हैं, आपसे बेहतर इल्म वाला कौन होगा, आप हमें बताएं कि इन शेरों में से आला नस्ल के शेर कौन से हैं। इमाम को अंदर भेजेंगे, भूखे शेर इमाम को खा जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हमें क्या मालूम कि शेर इसको खा जाएगा, हम तो इनको रसूलुल्लाह का नवासा समझते थे। इनसे इमाम मूसा काजिम की इज्जत भी कम हो जाएगी और वो शहीद भी हो जाएंगे। बस शेरों को पकड़ा गया, उनको 7 अय्याम तक भूखा प्यासा रखा गया। इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम को ये हुक्म दिया गया कि वो शेरों के पिंजरे में जाए और हमें बताए कि इनमें से आला नस्ल के शेर कौन है। इमाम मूसा काजिम को जैसे ही उस पिंजरे में डाला गया, लोग दूर से तमाशा देखने लगे। एक तरफ रसूल अल्लाह का नवासा इमाम मूसा काजिम था, तो दूसरी तरफ वो भूखे प्यासे शेर। शेर करीब आने लगे, सब खुश होने लगे कि अभी खा जाएंगे। इतने में तमाम शेर इमाम मूसा काजिम के कदमों पे सर रख के ताजीम से बैठ गए और इमाम उन तमाम शेरों के सर पे हाथ घुमाने लगे। सब देख के हैरान हो गए कि ये इतने दिनों से भूखे शेर इमाम मूसा काजिम को खा क्यों नहीं रहे। बस इमाम ने उस बादशाह की तरफ देखा और कहा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ है। फिर फरमाया, ऐ बादशाह कहलाने वाले, ये तमाम शेर आला नस्ल के हैं, क्योंकि जो हमें पहचानता है वो कभी कम नस्ल का हो नहीं सकता। वो बादशाह पशेमान होने लगा और लोग रसूल अल्लाह की आल पे, औलाद पे दुरूद भेजने लगे। सलाम हो नवासाए रसूल इमाम मूसाए काजिम पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जमीन पे अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तभी नवासाए रसूल इमाम हसन अलैहि सलाम मदीने में दस्तरखान इमाम हसन बिछाते थे, जहां हजारों अल्लाह के बंदे बैठ के खाना खाते थे। तो हमने भी जितनी अल्लाह ने हमें वसत बख्शी, उस हिसाब से दस्तरखान इमाम हसन दरगाह सैयद हुसैन शाह शमसी पे बिछाया है। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इस दरगाह पे आकर इमाम हसन का न्याज खाकर अपने और हमारे लिए दुआ करें, और साथ साथ इस दरगाह पे इमाम हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की मट्टी और शाह शम्स तबरेज के पत्थर और गिनान भी मौजूद हैं, ताकि वो मोमिनीन जो करबला जा नहीं सकते, वो यहाँ आके ज्यारत करके अपना ईमान ताज़ा करें। आपसे गुजारिश है कि जिन मोमिनीन ने दस्तरखान इमाम हसन बिछाने में हमारा साथ दिया, उन सब के लिए दुआ फरमाएं और उनके मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। अल्लाह तमाम मोमिनीन की दुआएं अपनी दरबार में कबूल करे। इनका आवाज़ ही बहुत अच्छा है यार, और जब वो बस बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब दिल से बोलते हैं और बहुत ही। और लास्ट में इन्होंने जो बोला कि इन्होंने मतलब दस्तरखान, मतलब जो गरीब और भूखे प्यासे लोग हैं उनके लिए अपने तरफ से अपने खर्चे से उनको मतलब खाना खिलाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपनी इनकम से वो दे रहे हैं सबको, तो इससे ही उनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेकी या अच्छाई,
अच्छा ही दिखती है, हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी अच्छा। बात है इसी लोगों को खाना खिलाना, हाँ, और अपनी हाँ, कमाई में से कुछ हिस्सा उन्हें भी देना हाँ चाहिए और अल्लाह जिनको। भी इन सबको मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुआ दे, दुआ नहीं बोल सकते, अल्लाह तो आशीर्वाद। आशीर्वाद बोल सकते हम। दुआ तो अल्लाह के तरफ की जाती है, अल्लाह कंप्लीट कर देता है उस दुआ को अगर हम अच्छे होंगे तो। आशीर्वाद। हाँ तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि जिन जिन ने इनको मदद की है इन सभी लोगों को खिलाने में, हाँ, तो उनको मतलब क्या बख्शे, सबको हिदायत दे। और नहीं हिदायत नहीं बोल सकते, हिदायत का मतलब तो अलग ही कुछ तो होता है ना। इन सबको अपनी सबको अपनी इच्छाएं पूरी हो इन पूरी। सबकी। हाँ, तो बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा हाँ लगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। और मेन वाक्य क्या था? देखिए, आपको पता ही नहीं मेन वाक्य क्या था, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो हजरत मूसा को जो उन्होंने जब सताया, हजरत मूसा के ऊपर शेर अरे चुभने वाले, हाँ और ये अभी तक भूल गए आप, नहीं, मैं शेर तो इनकी अच्छाई उनको। देखी उनका वो भूल गया वाक्या। नहीं, वो वाकया यही था कि शेर उनके ऊपर हाँ चुभने गए, भूखे इतने, शेर। हाँ तो इससे पता चलता है कि वो कितने यार अल्लाह के मतलब कांटेक्ट में थे कि उनको छू भी नहीं पाए शेर और उनके और उनके सामने, कदमों में हाँ, गिर कदमों में गए। गिर गए वो। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे क्या हुआ मालूम है क्या, जो अच्छाई मुझे ज़्यादा इनके कामों में दिखी कि वो अपने पैसे से खर्चे से वो, वो पहला का वीडियो ही भूल हाँ गए तो पहले का तो। वीडियो, क्योंकि आप आपके ज़माने में देखिए ना आप कितने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं हाँ, तो हमें। चलिए अगले वीडियो में। तो चलिए अगले बार मिलते हैं।